हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीतिमन। तो देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करें। पुस्तकालय में मैरी, तो ये जो लड़की है इसका नाम क्या है? मैरी। जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मैरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफी बड़ा था और वहां किताबों से भरे कई रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी हुई थी। मैरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है? तो मैरी सोचने लगी कि ये वेद क्या होते हैं, तो चलो पता लगाते हैं। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक है ये। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद चार हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो हमारे कितने वेद हैं? चार वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद जो है वो ऋग्वेद है और इसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। ठीक है, सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता प्रमुख महत्वपूर्ण हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि ऋग्वेद में जिन देवताओं के वर्णन किया गया है तो उनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन है? तो अग्नि है, इंद्र है और सोम है। तो जिसमें अग्नि जो है वो आग के देवता कहे गए, इंद्र जो है वो युद्ध के देवता कहे गए और सोम जो कि एक पौधा है जिसमें एक खास पेय बनाया जाता था। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट जो है वो पैराग्राफ है, ये बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर कई प्रश्न जो है वो आपके एग्जाम में देखने को आपको मिल सकते हैं। वेदों की संख्या कितनी है? वेद चार हैं। कौन कौन से वेद हैं सिक्वेंस में लगाइए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तीसरा क्वेश्चन बन गया कि जो ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है। ठीक है, इसकी रचना जो है वो 3500 साल पहले हुई थी। अगला क्वेश्चन ये बन जाएगा कि ऋग्वेद में जो प्रार्थनाएं हैं जिनको क्या कहा गया? सूक्त कहा गया। ठीक है, इन सूक्त का क्या अर्थ है? तो ये जो अर्थ जो है वो पूछ लिया जाए एग्जाम में, तो आपको जो है वो अच्छे से याद रखना है कि सूक्त का अर्थ होता है अच्छी तरह से बोला गया। ठीक है, और ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में जो है वो 3 कौन कौन से देवताओं का उल्लेख हुआ? तो याद रखिएगा, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि जो आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम एक क्या था? एक पौधा था जिससे कि एक पेय पदार्थ जो है वो बनाया जाता था। ठीक है, तो ये चीज जो है वो आप ध्यान में रखिएगा। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना जो है वो ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा क्या करवाते थे? याद करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की। तो ऋग्वेद जो कि जहां पर पुरुषों के साथ में जो है स्त्रियां, उनको भी महत्व दिया गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए जब प्रार्थनाओं की रचना जो है, कुछ प्रार्थनाओं जिनकी रचना महिलाओं ने भी की, तो यहाँ पर महिलाओं की स्थिति जो है वो बहुत अच्छी थी। ऋग्वेद की जो भाषा थी वो क्या थी? प्राक संस्कृत और वैदिक संस्कृत थी। ठीक है, इम्पोर्टेंट लाइन है, तो इसको जो है वो आप जहाँ भी नोट करें कर सकते हैं। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे यह भाषा जो है वो थोड़ी अलग थी। तो मैरी को जो है उसके अध्यापक ने ये बताया। संस्कृत और अन्य भाषाएं, तो संस्कृत भाषा जो है वो भारतीय भाषा का परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं जो है, असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे कि अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। तो भारत की जो भाषाएं हैं, तो असम में जो है वो असमिया चलती है, गुजरात में गुजराती चलती है, उत्तर भारत में हम देखते हैं हिंदी है। ठीक है, कश्मीर में जो है कश्मीरी है, सिंधी है। और एशियाई भाषाएं जो है वो कौन सी हैं? तो जो एशिया में चलती हैं, फारसी है, यूरोपीय भाषा है जिसमें अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मनी, यूनानी, इतालवी और स्पेनिश, तो वो भी इसी परिवार से जुड़ी हुई है। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे।
तो एक ही परिवार के जो है ये नजर आए और इसी वजह से इसे एक भाषा परिवार कहा गया। उदाहरण के लिए मात्र, मात्र जो कि एक संस्कृत है, ठीक है, अब माँ मात्र, ठीक है, तो ये माँ हिंदी निकला, मदर ये भी माँ से निकला अंग्रेजी, इन्हीं शब्दों को आप देखिए, तो इस वजह से जो है इनको एक भाषा परिवार कहा गया। क्या तुम्हें इनमें कोई समानता नजर आती है? उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेश में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं, तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की जो दक्षिण भारत में हम देखते हैं बोली जाती है, जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं जो है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट तो है यहाँ पर इतना नहीं एग्जाम के लिए। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था, कि ऋग्वेद का क्या किया जाता था? उच्चारण किया जाता था। जो ऋषि मुनि होते थे वो क्या करते थे, इनको जो है वो उच्चारण करते थे, इनको बोल बोल कर सुनाते थे। और क्या किया जाता था? श्रवण किया जाता था, सुनने वाले सुनते थे इनको, ना कि पढ़ा जाता था। केवल वो क्या करते थे? उच्चारण करते थे, और क्या करते थे? दूसरे उनको सुनते थे। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। तो अब जब लिखा, पढ़ा नहीं जा सका, इसका मतलब क्या है? अब कोई चीज जो कि लिखित हो तभी तो उसको पढ़ा जा सकता है, ठीक है। लेकिन ऋग्वेद की जो रचनाएं थी उनका क्या किया गया? पहले उच्चारण किया गया, ठीक है, ऋषियों के द्वारा, और उनके जो शिष्य थे उनको क्या करते थे? वो सुनकर जो है उनको याद करते थे, कंठस्थ करते थे। बाद में इनका क्या हुआ? इनको लिखा गया, अब इनको पढ़ा जा सकेगा। तो इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ, ठीक है। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? तो इतिहासकार पुरातत्ववेताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। पुरातत्ववेता कौन थे? जो कि पुरानी जो चीजें थी उनको लेकर जो है वहां खोजबीन करते थे, ठीक है। इतिहासकार जो कि छपी हुई सामग्री को जो है इकट्ठा करेंगे, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। कौन? इतिहासकार। चलो देखते हैं कि वे ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है, ठीक है, वार्तालाप के रूप में है, तो इतिहासकार इनको तो नहीं खोज पाए। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियों व्यास और सतलुज, इनके बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है, ठीक है। तो ये तो उन्होंने सुनी सुनाई बात होगी, ठीक है, एक ने जो है वो क्या किया, उच्चारण किया, और दूसरे ने उसको सुना। तो ऋग्वेद की पांडुलिपि का ये एक क्या है? पन्ना है। भुज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। तो ऋग्वेद की जो रचना थी वो संस्कृत में लिखी गई थी, ठीक है, और उसके बाद जो है इस पांडुलिपि को देखकर जो है इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट इसको किया गया। यह पांडुलिपि जो है वो कहाँ पर रखी हुई है वर्तमान में? तो यह पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है, ठीक है, ये वाली पांडुलिपि। तो यहीं से जो है वो इतिहासकारों को पता लगा। तो विश्वामित्र और नदियां, तो यहाँ जो संवाद जिसकी बात हुई तो वही है, फटाफट से देख लेते हैं, एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हमें चैप्टर पढ़ना ही है। विश्वामित्र, हे नदियों, तो ये नदियों से बात कर रहे हैं, हे नदियों, अपने बछड़ों को चारती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो, तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। तो विशेषता बताई है नदियों की विश्वामित्र ने। तो नदियां कहती हैं कि जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं, एक बार निकलने पर हमको रोका नहीं जा सकता, तो हे ऋषि तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? विश्वामित्र कहते हैं कि हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो, मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ, कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर ना उठाओ ताकि हम आसानी से उसे पार कर सकें, ठीक है। नदियां कहती है हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। विश्वामित्र और नदियां, तो इनके बीच में जो है वो वार्तालाप जो है यहाँ पर लिखी हुई है। तो इतिहासकार बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहां ये नदियां बहती होंगी। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहां घोड़ों और गायों को भी बहुत महत्व दिया जाता था, इसीलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है, ठीक है। जिस तरीके से घोड़े जो हैं, जिन
एक बार जो है जिन्होंने स्पीड पकड़ ली उनको रोका नहीं जा सकता, उसी तरीके से नदियां जो कि आ रही हैं, तो वो कह रही हैं कि देवताओं ने जो है वो हमें इस मार्ग से गुजरने के लिए कहा है, तो वो बहुत ही स्पीड से जो है वो आ रही हैं बहती हुई। ठीक है, क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण थे? अपने जवाब के लिए कारण बताओ। प्रार्थना की पंक्तियों को दोबारा पढ़कर ये बताओ कि उनमें परिवहन के लिए किन किन साधनों का उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों, खासकर ऋग्वेद में देखिए हमने देखा कि सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र किया गया है। गंगा और यमुना जो है इसका सिर्फ एक बार उल्लेख हुआ है, और ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे ज्यादा जो है वो सिंधु नदी की बात जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। ऋग्वेद में सिंधु नदी का बहुत बार जो है वो वर्णन हुआ है, और यहाँ जो पवित्र नदी है वो सरस्वती को माना गया है, और गंगा और यमुना का सिर्फ एक बार ही जो है वो उल्लेख हुआ है। ठीक है, मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे, और लड़ाइयां वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहां अच्छे चारागाह हो, तो लड़ाइयां जो कि जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, लड़ाइयां जो कि मवेशी, बच्चे और घोड़ों को पाने के लिए भी लड़ी जाती थी। तो लड़ाइयां वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहां अच्छे चारागाह हो, या जहां पर जौ जैसी हल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयां पानी के स्रोत और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे, और कुछ हिस्सा जो है वो पुरोहितों को दिया जाता था, और शेष धन जो है वो आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था, और यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियां देवी देवताओं को दी जाती थी, घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की आहुति भी दी जाती थी। ठीक है, तो उस समय जो है वो लड़ाइयां क्यों होती थी, तो उसका कारण जो है वो पूछा जा सकता है कि मवेशी, घोड़े, ठीक है, इनको प्राप्त करने के लिए जो है लड़ाइयां होती थी, जमीन के लिए लड़ाई होती थी, जो जमीन ज्यादा उपजाऊ होती थी, बहुत अच्छी जो है फसलें जहां पैदा हो उस जमीन के लिए भी जो है वो लड़ाइयां की जाती थी। ठीक है, और जो युद्ध में जो धन जो है वो जीत लेते थे, तो कुछ भाग जो है वो जो लूटने वाले होते थे, जो जीतने वाले होते थे सरदार, वो अपने पास रख लेते थे, और कुछ हिस्सा जो है वो किसको देते थे, पुरोहित को देते थे, बाकी बच जाता था वो आम जनता को दे देते थे। ठीक है, अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे, कोई यहाँ पर अभी स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध और शांति के विषय में सलाह मशवरा भी करते थे। वहां ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो कि बहादुर और कुशल योद्धा हो, जो भी यहाँ पर बहादुर होता था, कुशल योद्धा होता था, इसको ये अपना सरदार बना लेते थे, और किसी की भी कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द, लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान, सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखिए। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया जाता था, यानी जो जैसा काम करता था तो उसको उसी कैटेगरी में उसको रखा जाता था। जैसे कि पुरोहित है तो जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण भी कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ कराते थे, ये अनुष्ठान करा देते थे। ठीक है, और दूसरे लोग थे राजा। तो यहाँ पर जो लोग शब्द का जो प्रयोग हुआ है तो वो किस किस में हुआ है, तो वो काम के आधार पर हुआ है। एक तो पुरोहित, पुरोहित का काम क्या था, यहाँ पर जो ही यज्ञ हवन वगैरह जो भी होते थे वो काम करते थे। ठीक है, और दूसरे जो शक्तिशाली होते थे वो राजा कहलाते थे। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे, ये ना तो बड़ी राजधानियां थी इनकी, ना महल थे, ना इनके पास सेना थी, ना ही ये जो है वो टैक्स जो है वो कर वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही जो है वो शासक नहीं बन जाता था, क्योंकि यहाँ पर जो शक्तिशाली होता था वही राजा बनता था, जो भी युद्ध वगैरह जीत जाता था उसको राजा ये लोग बना देते थे। ठीक है, ना तो कोई स्थायी सेना थी अभी, ना ही इनकी राजधानियां थी, ना ही महल थे, और लेकिन कभी कभी जो है ये लोग एक साथ बैठकर जो है जो भी युद्ध वगैरह होते थे तो उनकी चर्चा कर लेते थे।
जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। तो हमने लोग देखा, तो लोग के लिए जो है ऋग्वेद में दो शब्दों का प्रयोग किया गया। ठीक है, लोग कौन होते थे? एक तो वो पुरोहित होता था और दूसरा कौन होता था? राजा। ठीक है, अब जनता, जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का प्रयोग होता था। एक तो था जन, जिसका प्रयोग हिंदी और अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विश। ठीक है, तो जो जनता होती थी, ठीक है, तो उस वक्त ऋग्वेद में लोग अलग थे और जनता अलग थी। तो यहां पर जनता के लिए एक तो था जन, जिन्हें हम आम लोग बोलते भी हैं, है ना, और दूसरा था विश्य, विश्य जिससे कि वैश्य शब्द निकला है। इस विषय पर तुम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ोगे। ऋग्वेद में विश और जनों के नाम मिलते हैं, इसीलिए हमें जो है पुरु जन या विश, भरत जन या विष, यानी जन भी बोल सकते हैं, विष भी, यदु जन या विष, जैसे कई उल्लेख जो है वो मिलते हैं। तो पुरु, भरत, यदु, तो ये आप नाम याद रखिएगा कि ऋग्वेद में जनों का जो उल्लेख मिलता है तो इनमें से कौन सा नाम नहीं है या है, इस तरीके से जो है वो पूछा जा सकता है। ठीक है, जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की, वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। ठीक है, तो आर्य अपने विरोधियों को क्या कहते थे? दास या दस्यु कहते थे। और जिन्होंने ऋग्वेद में प्रार्थनाओं की रचना की, वो अपने आप को खुद को क्या कहते थे? आर्य कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे। ठीक है, शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास दासी शब्द का, बाद में के समय में दास जो है वो इसका स्त्रीलिंग क्या है? दासी। शब्द का मतलब जो है वो क्या हो गया? गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वो सब करना पड़ता था। जिस युद्ध में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहां क्या हो रहा था। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। तो हमने देखा कि एक तरफ तो जो है वो क्या हो रहा था, ऋग्वेद की जो है रचना हो रही थी, और दूसरी तरफ महापाषाण जो है वो बनाए जा रहे थे। तो इन्हीं महापाषाण के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।